हेलो सर। हेलो, रेडी फॉर योर न्यू इनिंग्स? यस सर। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कारगिल। वाओ, कारगिल, हाउ एक्साइटिंग। यस इट वाज। तुरंत रिपोर्ट करना था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल। फिर क्या? रिमेम्बर, अ सोल्जर नेवर क्विट। बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या, पर्वतों में डूब के है रास्ते तो क्या। लेट होने का मतलब था ड्यूटी में फेल, इसलिए निकल पड़ा पैदल। वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। किस तरफ जाना है जी? मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी जाएंगे तब होगा। लेकिन वो कब जाएंगे? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बहुत जिंदा दिल इंसान था। महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। हम सफर, तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। देखिए वरुआ जी, टाइम पे पहुंचा दिया ना। लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। और आखिर उनकी सेंट्रो ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप कभी मिले उनसे? मयंक, रावत साहब, प्लीज कम, प्लीज। ये है वो जो उस दिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि मुझे वक्त पे कारगिल पहुंचना था। श्रीकांत रावत साहब, आप हमारे यंग ऑफिसर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो आज भी क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी में जाए सबसे पहले उसकी ड्यूटी करो। हम सफर, तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। पिछले 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है